जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। तो यार अपना जो फिजिक्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो तो यार कंप्लीट हो नहीं पाएगी, इस कारण से मैंने डिसीजन ये लिया कि जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, सारे मिक्सअप क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जाम के पहले कराऊंगा, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। और टॉपिक वाइज जैसे ही ये एग्जाम होगा वैसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं कराने लगूंगा। तो क्योंकि यार वो पॉसिबल नहीं है कि अब सारे क्वेश्चंस मैं करा सकूं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन सारे जो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल मिक्सअप पूरी फिजिक्स है उसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे कराऊंगा, मिक्सअप हैं ये, और इसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करी है, एक एक क्वेश्चन ढूंढना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे हैं, बस आपको क्या करना है इनको याद करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसको एक बार पढ़ के दिमाग में बैठा लेना है, और जब एग्ज़ाम जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने जो कराया था वो आया है कि नहीं आया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि श्यानता गुणांक की विमा पूछी गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस वजह से मैंने इंक्लूड किया है। जो श्यानता गुणांक की विमा होती है वो होती है ML माइनस वन टी माइनस वन। यार क्योंकि टॉपिक वाइज कराना पॉसिबल नहीं था ना, इस वजह से भी मैं नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम की डेट आ चुकी है और हफ्ते 10 दिन में ये कम्प्लीट हो नहीं पाएंगे, सारे टॉपिक वाइज काफ़ी चैप्टर्स हैं, इस वजह से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे मिक्सअप सारे जो लेसन हैं उनके सारे क्वेश्चन, इस वजह से क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिले और जो पढ़ के जाएँ वो आए, बस यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस सिलेक्शन चाहिए आपका। इसीलिए जितने भी हैं सब टॉपिक वाइज मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर उसके बना लिए हैं, और एग्जाम तक आपको मैं 250 से 300 क्वेश्चंस तो आराम से करा दूंगा, और इसमें से आपका एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, विश्वास रखना है बस आपको। तो चलिए श्यानता गुणांक की विमा पूछी गई जो है ML माइनस वन टी माइनस वन। नेक्स्ट है कि बर्नौली के प्रमेय किस पर आधारित है। बर्नौली के प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैसों की श्यानता भी बढ़ेगी, तो सीधे सीधे सिंपल है कि ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता भी बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता भी बढ़ेगी। जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे, जितने भी सेल्सियस से भी पूछ सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कि गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी 200 हो जाएगी 400 हो जाएगी, तो क्या करना है, अगर 100 बढ़ाई जाएगी तो वो भी बढ़ेगी उतनी ही, सेम ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता में भी इंक्रीमेंट होगा, बस इतना मेन आप याद रखिए। मेरा बस मोटो इतना ही है कि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, और जब जैसे ही क्वेश्चन दिखे बस आप उसको टिक कर दें, बस PhD नहीं करानी अपने को फिजिक्स में। शुद्ध जल तथा कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है। तो शुद्ध जल और कांच के लिए स्पर्श कोण होता है 0 डिग्री या 0। शुद्ध जल तथा कांच के लिए स्पर्श कोण होता है 0 डिग्री, राइट। और एक चीज बता दूं यार, जो 0 जिसका आंसर हो, 1 जिसका आंसर आता हो, और इस टाइप से कि जैसे ये 2 गुना हो जाए तो उसकी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। मैं तो अपनी सारी जो इम्पोर्टेंट बताए हैं 300 क्वेश्चन से कराऊंगा, उसमें मैं तो इंक्लूड करूंगा, साथ साथ आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे, आप जानते हैं मैं कोई भी कहे कि मैं आप पर सर लीव करता हूँ, डिपेंड हूँ आप पे, अपने मन से भी आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम है आपका फ्यूचर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया शुद्ध जल तथा कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रोलक का आवर्त काल 2 गुना है, 2 गुना हो जाएगा जब उसकी लंबाई कर दी जाए। अच्छा हाँ देखिए, सरल रोलक का आवर्त काल 2 गुना हो जाएगा, कब हो जाएगा जब, तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि इसका आवर्त काल 2 गुना हो जाए, सरल रोलक का आवर्त काल 2 गुना हो जाए कि उसकी लंबाई में क्या करते हैं ऐसा कि उसका आवर्त काल 2 गुना हो जाए, तो उसकी लंबाई को हम लोग डबल करेंगे 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना। अगर हम लोग उसकी लंबाई को, प्रभावी लंबाई है जो उसकी लगभग की, उसको जब 4 गुना करेंगे तब उसके आवर्त काल
दो गुना होगा यानी कि हाफ होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस, बस आपको याद करते जाना है। इसमें इस समय दिमाग मत लगाइए, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जी लगा के मेहनत कर लीजिए और सिलेक्शन पा लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। यही एक ऐसी नौकरी है जो इजीली इतनी मिल जाती है, बाकी और सब बहुत कठिन जॉब है। एयरफोर्स नेवी ही अभी ऐसा है और एग्जाम की तुलना में कि ये इजीली सिलेक्शन दे देता है इतना, और टाइमली सब कराते हैं, सब कुछ टाइमली होता है। बाकी आप यूपी की वैकेंसी देख लीजिए, आती हैं कैंसिल होती हैं, कोर्ट में केस चलता है, कुछ नहीं, लेकिन इसकी क्लियर वैकेंसी कराते हैं, ये सबसे बड़ी बात है डिफेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ताप जो सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने पर समान गठन देता है वह कौन सा ताप होता है जो सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट पर दोनों पर एक समान ही देता है पठन, तो वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की गेंद को गर्म करने पर अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी। एक कोई लोहे की गेंद है, उसमें ताप दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस चीज में होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी उसके आयतन पर। जिसने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यारों में शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए। एग्जाम तक मैं 300 क्वेश्चंस आराम से उसके ऊपर हो जाएंगे, इससे कम नहीं कराऊंगा। बस आपको मन लगा के बस ये तैयार करते जाना, एक बार इनको पढ़ते जाएंगे तो याद होते जाएंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे किसी न किसी सेट में तो पूछे जाएंगे। मैं फुल की गारंटी नहीं लेता, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए फंसेंगे ही फंसेंगे। जब आप देंगे जाके तब आप खुद देखेंगे। तो अपना भला करिए, साथ में अपने मित्रों का भी भला करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्लियर है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। एक कृष्णिका को गर्म करने पर वह उत्सर्जित करेगी। जब एक कृष्णिका को हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या उत्सर्जित करती है, वो उत्सर्जित करती है सभी तरंग लंबाई का विकिरण। वह जितनी भी लंबाइयां हैं सभी तरंग, जो सभी तरंग लंबाई का विकिरण उत्सर्जित करती है, सभी तरंग लंबाई का विकिरण उत्सर्जित करती है, क्लियर है। बस आपको बस एक एक बार याद करते जाना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत टिक करें, और इससे आपका समय भी बचेगा। कि पूर्णता काली वस्तु की अवशोषण क्षमता क्या होती है, जो पूरी पूर्णता काली वस्तु होती है उसकी अवशोषण क्षमता होती है पूर्णता काली वस्तु की अवशोषण क्षमता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि क्या है, कि रुद्धोष प्रक्रम में क्या चीज है, वह कौन सी राशि है जो स्थिर रहती है। तो रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि है ऊष्मा है, जो रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहती है, पूर्णता स्थिर रहती है रुद्धोष प्रक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैसों की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा 7/2R होती है, किस गैसों की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, तो वह होती है द्विपरमाणविक गैसें होती हैं जिनका स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा 7/2R होती है। ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे, तैयारी करी है आपने तो आपको खुद ही पता होगा कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं, कि जो गैस में उत्पन्न होती हैं ध्वनि तरंगे वह कौन सी होती हैं, जो गैसों में उत्पन्न होती है, जो गैसों में उत्पन्न होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वह गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयाम कैसी, आयाम राशि है तो आयाम कौन सी राशि है, तो आयाम है हमारी सदिश राशि, आयाम सदिश राशि के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सदिश एंड सदिश से भी, तो आयाम जो है वह हमारी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, लॉरेंज बल की जो दिशा ज्ञात करने का नियम है तो वह क्या है, वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग नियम। तो लॉरेंत्ज़ बल की दिशा ज्ञात की जाती है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। तो ये आज का तो यार हो गया, मैंने जैसा बताया है कि 250 से 300 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में एयरफोर्स एंड नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को खोलना है और एक बार सारे क्वेश्चन को लर्न कर लेना है। इसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, दिमाग और सब्जेक्ट में लगा लो, ये जो क्वेश्चन है बस इनको याद कर लो और एग्ज़ाम में ये देखें तुरंत टिक मारो। कोई भी इसमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है आपको फिजिक्स की, बस बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इनको बस लर्न करते चलो। जितना करा रहा हूँ वो भी 10 दिन है, 10 दिन में मैं 300 क्वेश्चन बड़े ईजिली करा दूंगा। बस आपको मन लगा के तैयारी करते जाना है और याद करते जाना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कर लो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देख रहे हो मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पसीना हो जाता है पूरा, सब पूरा पंखा सब बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है कि आपको वॉइस क्लियर है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ यार तो आप भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, राम राम।